ओके सो अभी आ चुका है इनका बहुत ज्यादा प्यारा अमेरिकन बुली। बात करें इसका साइज कौन सा है भैया? फुल माइक्रो। भैया की जो सबसे पहली अमेरिकन बुली की टीम है राइट, ये आ चुकी है बहुत ज्यादा प्यारा। इसका नाम क्या दिया? कैंडी। इसका नाम है कैंडी। उड़ रहा है ऐसे फ्लाइंग फ्लाइंग डॉग। तो ये देखने कैसे मेरे पास पैसा है, मेरे बहुत मन कर तू फ्रेंच बुल डॉग को ले लूँ मैं। इसका नाम जोया। जोया, तो देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। भैया ने उसके बाद जो है अपनी कंपनी का नाम अपने डॉग के ऊपर रखा। ओके सो गाइज वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है बेसिकली हम थोड़ा अंधेरे में शूट कर रहे हैं। क्या हुआ, हम सफारी के लिए गए होते, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, अभी हमारा वापस आना हुआ है, थोड़ा अंधेरा हो चुका है, बट स्टिल भैया ने इतना बढ़िया सेटअप किया कि हम अंधेरे में भी अच्छे से वीडियो शूट कर सकते हैं। सो हियर वी आर विद हमारे अविनाश भैया। कैसे हैं भैया? बस सब ठीक, आप बताओ। बहुत सबसे पहले तो थैंक यू भैया ने इतना बढ़िया हमारे को सफारी राइड कराया, आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा। सो भैया आज हमारी वीडियो स्पेशली हम कवर कर रहे हैं आपके यहाँ पर जो फ्रेंच बुलडॉग्स हैं एज वेल एज शिह ट्ज़ूज़ के ऊपर है ना। तो ये दो फ्रेंच बुलडॉग आप देख सकते हैं, ये कौन से डॉग के बच्चे हैं और इनकी मदर कौन है बताइए? ये फ्रेंच बुलडॉग है, इनकी मदर ये है, रूबी नाम है इसका। अच्छा, इसका नाम रूबी है। रूबी है, रूबी। हाय रूबी। काफी सुंदर, काफी कॉम्पैक्ट है बच्चे। हाँ यार, मुझे दिखाना एक, ये दिखाता हूँ ना यार, मुझे बड़े, मेरे भी आपको पता है ना यार, मेरी फेवरेट ब्रीड में देखे कैसे उड़ रहा है ऐसे फ्लाइंग फ्लाइंग डॉग। हाँ वाओ, क्या होता है देखना, इनकी टेल्स बहुत छोटी होती है एज कंपैरेटिवली टू अदर ब्रीड्स एंड जीरो टेल रहती है। जीरो टेल और बहुत ज़्यादा प्यारे रखते हैं। सो भैया अगर मैं बात करूँ फ्रेंच बुलडॉग का क्या शौक चढ़ा, देखो बहुत सारी ब्रीड्स हैं, शिह ट्ज़ू भी है और साथ ही साथ उसके बाद अगर मैं बात करूँ अमेरिकन बुली भी है, तो वाई फ्रेंच बुलडॉग? फ्रेंच बुलडॉग बोले तो ये फैमिली डॉग है, तो घर में रखने के लिए एकदम, अपार्टमेंट में बोलो, हाँ। सिंगल फैमिली के लिए रखने में एकदम कहाँ पे भी, हाँ कहाँ पे भी एकदम सेट हो जाता है। हाँ। ये हो गए, सिज्जू हो गए, मुझे इनको ज्यादा कोई टेंशन लेना नहीं पड़ता, खाने पीने का भी रखने का भी एकदम इजी वे में रह जाते हैं। हाँ। तो ये देखने कैसे मेरे पास बैठा है, मेरे बहुत मन को तुम फ्रेंच बुलडॉग को ले लूँ मैं। ओके तो भैया अगर हम बात करें, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, रूबी नाम की एक डॉग थी आपके पहले जो आपने मेरे को एक स्टोरी बताई थी। सो जल्दी से मैं चाहूँगा कि उस स्टोरी को बारे में आप ऑडियंस को भी बताइए कि कहाँ से आपका डॉग्स रखना शुरू हुआ। मैं एक्चुअली मैं जब 16 साल का था तब मैंने एक रूबी नाम की एक रॉटविलर ली थी। अच्छा, वो रॉटविलर बोले तो कोई बहुत सुंदर थी, मुझे उसके लिए शब्द कम है, कितना बोलूँ उतना उसके लिए कम है। She was a life changer for you. Life, right. जब से वो आई, अगर मैं थोड़ा सा स्टोरी को जल्दी से, पूरी लाइफ मेरी चेंज हो गई वो आने से। एक बोलते ना वो लकी चैम, लकी चैम, वो लकी चैम थी मेरे लिए। बिजनेस में भैया बताते हैं कि उस डॉग के आने के बाद भैया ने बिजनेस में बहुत सारे नए आइडियाज आए, भैया ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस जो इनका बेसिकली फ्लावर्स एंड जो भी इनका टेंट से रिलेटेड बिजनेस है, जब वो आई ना उसके बाद भैया ने वो चीज़ें जो है ग्रोथ में गई। और ऐसे भी होता है जैसे मेरा ओरियो और मेरे साथ कितने मेरे डॉग्स हैं जो मेरी लाइफ के एक्सपेक्टर्स रहे हैं, और उसके बाद जब भी उससे उसकी डेथ होने वाली थी ना, तो तब भी भैया बहुत इमोशनल थे। वो एस्पेक्ट मैं नहीं बताता बिकॉज क्या होता ना, हम सभी डॉग लवर्स हैं ना, बट ये चीज़ मैं स्पेशली क्यों बताना चाहता था क्योंकि भैया ने उसके बाद जो है अपनी कंपनी का नाम अपने डॉग के ऊपर रखा जो कि मेन रूबी टेक्सटाइल के नाम से। तो देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्यार हम अपने एनिमल से कर लेते हैं कि हम अपनी चीज़ों का नाम भी उनके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर रूबी है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो अगर अब मैं बात करूं भैया, इन पप्पीज को हम नीचे छोड़ते हैं, इनको खेलने देते हैं। बिल्कुल, so, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कल हम एक अमेरिकन बुली क्विट कर गए थे जिसको हमने नहीं दिखाया था। बिल्कुल, वो अमेरिकन बुली मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर है वो अमेरिकन बुली। कौन सा कलर है भैया? ये लैली कलर है सर, लैली कलर है। एंड ये कौन सा डॉग की बच्ची है? ये फोल्ड करके है, फोल्ड नहीं सॉरी, कोई नहीं। ये जो आप जैसे देखते हो लैलिक कलर में है, अरे अरे लैलिक कलर में, मैंने पहले भी आपको एक दो बार जो है अमेरिकन बुली दिखाया है, बट यार ये तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी। सॉफ्टी, ये भी मेरे होम ब्रीड की है, इसी की बच्ची है ना रूबी? हाँ, रूबी की बच्ची, ये मेरे होम ब्रीड की है। ये देखो क्या बात है, ये देख रहे हो, ये इसका नाम क्या है? कैंडी। सॉफ्टी। अच्छा, कल कैंडी थी, अब आज सॉफ्टी भी आ गई, कुल्फी भी आ गई। तो भैया एक तरीके से देख रहे हो कि आइसक्रीम पार्लर चालू कर रहे हैं। ओके सो अभी बारी है भैया के शिह ट्ज़ूज़ दिखाने की। भैया के पास बहुत ज्यादा प्यारे शिह ट्ज़ू हैं और शिह ट्ज़ू का सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ वो बहुत ज्यादा प्यारी सी स्टोरी है, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो भैया हम आपके सारे शिह ट्ज़ूज़ दिखाते हैं। बिल्कुल। एंड वन थिंग मैं कहना चाहूंगा कि भैया का ना, मतलब मैंने पर्सनली नागपुर में तो इनसे अच्छा
सेटअप आज तक मैंने कभी ना सोचा ना देखा ना किसी के बारे में पता लगाया ना। एंड एवरी कंपेरेटिवली टू महाराष्ट्र, पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सेटअप किए हैं, बट महाराष्ट्र का मैं पहला ऐसा यूनिक सेटअप देखा है जो कि इतना ज़्यादा यू नो, और सबसे बड़ी बात है स्मॉल ब्रीड्स हैं तो रखना ईजी है और सबके लिए यू नो कंपेटेबिलिटी, और बहुत ज़्यादा प्यार यू नो छोटी ब्रीड्स मांगती है, तो वो चीज़ भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो भैया अभी हमारी बारी आपके शिज़ूज़ हम दिखाते हैं हमारी ऑडियंस को। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर चल रही है पूरी की पूरी मस्तियाँ, तो ये पूरे दिन जो है ना ये बच्चे सारे मस्तियाँ ही करते रहते हैं, और मतलब मेरे को तो स्मॉल ब्रीड तभी इसलिए पसंद है क्योंकि क्या ना हम इनकी मस्ती में हम खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हम बात करें बड़ी ब्रीड की ना तो बड़ी ब्रीड के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट के अंदर ना हाथापाई ज़्यादा हो जाती है और लग जाती है भाई बड़ी ब्रीड के साथ जब हम मस्तियाँ करते हैं ना। तो छोटी ब्रीड का ये ना मस्त सीन है, जब मैं जितना मर्जी इनके साथ खेलो ये थक भी जल्दी जाते हैं। तो भैया चलिए आपके शिज़ूज दिखाते हैं हमारी ऑडियंस को। ओके सो गाइस हमारे साथ जो है भैया की सारे के सारे शिज़ू ब्रीड के डॉग है हमारे पास। सो लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू द मेन डॉग, जो जहाँ से जो बेसिकली शिज़ू का सिलसिला शुरू हुआ था। भैया इसका नाम क्या है? इसका नाम जोया है सर। जोया, तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जोया के पीछे बहुत ज़्यादा प्यारी सी स्टोरी है। सो भैया मैं चाहूँगा जल्दी से आप हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको स्टोरी बता दीजिए कि जोया का आना कैसे हुआ और उसके बाद जो है जितने डॉग है शिज़ू वो कैसे आए। ये जोया बोले तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी। अच्छा, फिर गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। अच्छा, तो देख रहे हो, तो ये क्या है ना, ये प्यार की निशानी है और उसके बाद इसकी प्यार की जो आगे निशानी है वो सारी तो सारी अभी आप यहाँ पे देखेंगे। सो ये ऑलमोस्ट अभी 6 ईयर्स की होगी, एंड उसके बाद आपने क्या आगे जब लीटर लिया ऑलमोस्ट यू नो टू आफ्टर 2 ईयर्स, तो उसके बाद एक एक करके आपने सारे शिज़ू इकट्ठे किए। राइट राइट राइट। सो अभी आपके पास शिज़ू की कितनी फीमेल्स है? ओ 6 फीमेल्स है, यानी 1 मेल है। 1 मेल है। सो यहाँ पर जो है भैया का नाम क्या अभी आपका? आयुष। आयुष भैया के हाथ में जो आप देख सकते हैं यहाँ का इनका एक जो मेन मेल है स्टड है, जो स्टड बॉय वो है इनके हाथ में। क्या नाम है भैया इसका डॉग का? शूटर नाम है। शूटर, अरे वाह भाई गोली चलाता है क्या? सो बेसिकली ये जो है शूटर है। ओके, शूटर को हम नीचे छोड़ते हैं जल्दी से और एक एक करके। अभी शूटर थोड़ा सा ग्रूम्ड नहीं है बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी थी, बट शूटर की जब आप मेरे को इतना बताए, इतने बड़े बड़े इसके बाल है ना, जब इसकी ग्रूमिंग होगी ना बहुत लाजवाब लगेगा। ओके सो यहाँ भी आपको पीछे दिखाता हूँ, देखो पूरी की पूरी इनकी शिज़ू गैंग यहाँ पर इकट्ठी हुई हुई है। ओए इधर आ जाओ, आ जाओ, सारे के सारे जो है ना भैया की जो वाइफ है वो सारे शिज़ू जो हैं भैया की वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा उनको लगाव है। तो देखो सारे के सारे वहाँ पर भाभी खड़े हैं और उनके पीछे तो सारे लगे हुए हैं। ओए शूटर, दिलों का शूटर है भैया का स्कूटर। ओके, तो यहाँ पर अभी एक ना भैया के पास ना, जैसे देखो ट्राई कलर में शिज़ूज़ पहले बहुत देखे हैं आपने, मैंने आपको एक बार ब्लैक कलर का शिज़ू भी दिखाया था, यहाँ पर जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्लैक एंड व्हाइट कलर का शिज़ू। तो भैया प्लीज आप अपनी ब्लैकी को लेकर आइए, इसका नाम ब्लैकी रखा है ना। अरे वारे वारे वाह, बोले वाह भाई वाह, देखो कितनी प्यारी है। ओए ओए ओए, मेरे को शिज़ू ब्रीड प्यारी लगती है यार, शिज़ू ब्रीड बहुत ज़्यादा प्यारी है घर में रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप ब्रीड का डॉग रखना चाहते हैं ना, सो देर आर लिमिटेड ब्रीड्स जो अगर आप फ्लैट वगैरह में रखना चाहते हैं उनमें से एक शिज़ू भी है। और यहाँ पर एक और फीमेल है, ये फीमेल है भैया, राइट? इसका नाम क्या है? स्ट्रॉबेरी। देख रहे हो, एक का नाम मैगी है, एक का नाम कुल्फी है, ये स्ट्रॉबेरी है। हाय स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी काटेगी तो नहीं? थोड़ा थोड़ा है ना, लग रहा था इसकी शक्ल से ही लग रहा था ये काटेगी। भैया ने देखो भाभी ने इसको बढ़िया तैयार कर रखा है, इसकी चोटी वोटी बना रखी है। शिज़ू देखो मैं बताता हूँ, शिज़ू लड़कियाँ रखी ना तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो अपना भी ध्यान रखेंगी साथ साथ वही चीज़ इसको भी लगा देगी है ना। हमारे लिए तो फ्रेंच बुलडॉग अमेरिकन बुली ही ठीक है ना। तो भैया ऑलमोस्ट अब आपके पास कितने डॉग्स हो गए, मतलब 25 के करीब आपके पास डॉग्स हैं जो कि आपने अलग अलग जगह भी दिए, अलग अलग जगह दी। तो इनकी यार डाइट का कैसे करते हो? देखो इतने वेल मेंटेन डॉग हैं, दे आर ऑल इन कंडीशंस, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इनकी मेडिकेशंस भी प्रॉपर मैं देख रहा हूँ आप रखते हैं। सो आप इनको डाइट में क्या देते हैं, मेरा सवाल है। डाइट में तो जो शिज़ू है उनको NND चलता है। Okay. एक बॉयल एग चलता है दिन में, और जो अमेरिकन बुली है उनको चिकन राइस के साथ NND स्टार्टर, और सुबह शाम दो एग देते हैं। वाओ, तो ये देख रहे हो ये सारे के सारे देखना भाभी के चक्करों में, देखो सारे वहीं पे इकट्ठे हो गए हैं कि हाँ बस कि हमें ले चलो, हमें नीचे ले चलो। ये सारे के सारे घर में ही रहते हैं, ये सारे यहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर सिर्फ अमेरिकन बुली ही भैया ने सेटअप में रखे हुए हैं। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हर एक डॉग को उसका स्पेस चाहिए एंड वो चीज़ प्रोवाइड करना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बट भैया ने जो है बहुत अच्छा यू नो चीज़ें मेंटेन की हुई हैं और
बहुत अच्छा है यार भैया, आपने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी जो हैं भैया को स्पेशली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, इनकी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एज वेल आप इनको फॉलो फेसबुक पे भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी डिटेल आपको नागपुर के आसपास या महाराष्ट्र से है तो आप भैया को जरूर कॉन्टैक्ट करें। एंड इट वॉज अ वेरी प्लेजर टू मीट यू भैया, मेरा बहुत टाइम से प्लान था भैया से मिलने का, और अभी नेक्स्ट जब भी मैं नागपुर ट्रिप लगाऊंगा तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें भैया के साथ कवर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और भैया को जरूर फॉलो करिए। और साथ ही साथ जो स्वप्निल भाई भाऊ हैं इनके साथ, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक है, वो भी एक बहुत डॉग लवर है, तो आप उनसे भी डिटेल उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विद दैट करते हैं भैया हम आज के ब्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच आपको। और एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको फरवरी या जनवरी में फिर से आना है। अच्छा, तो मेरी ऑडियंस जो भी सब्सक्राइबर, हम फरवरी या दोबारा जब भी नागपुर आएंगे तो हम एक मीटअप भी रखेंगे ना, तो फिर दोबारा से हम प्लान करेंगे, राइट है ना। तो अभी हम सोच रहे हैं बाहर ट्रिप में लगा के आते हैं और घूम कर आते हैं भैया के साथ ना, फिर जल्दी किसी और कंट्री में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। Boom.